दोस्तों अभी अभी भारतीय टीम पर टूटा दुखों का पार। जैसे इस खिलाड़ी का लाइव मैच के दौरान निधन हुआ, उसके बाद दोस्तों सभी भारतीय क्रिकेटरों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताएं, इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 353 रन स्कोर लगाए 10 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा जो रूट ने 122 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए सबसे ज्यादा रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट चटकाए। लेकिन दोस्तों इस समय इंडिया की टीम अपनी पहली इनिंग में 219 रन के स्कोर पर नाबाद है 7 विकेट खोने के बाद, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 73 रन का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के साथ बड़ी दुर्घटना घटने से बची, क्योंकि दोस्तों जब भारतीय टीम की ओर से रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे और वे इंग्लैंड की ओर से बॉलिंग कराने आए थे जेम्स एंडरसन, जैसे ही जेम्स एंडरसन ने 45वें ओवर की पांचवी गेंद डाली तो वो गेंद जाकर रविंद्र जडेजा के सिर पर लगी। उसके बाद रविंद्र जडेजा के सिर से खून निकलना चालू हो गया। वो तो दोस्तों भला हो भगवान का कि रविंद्र जडेजा के ज्यादा चोट नहीं आई, नहीं तो आज भारतीय टीम को बड़ा झटका लग सकता था। और इस तरीके से आज रविंद्र जडेजा मरते मरते बच गए।